दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं WPL के अगले मैच की और ये जो मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और साथ में गुजरात के बीच और WPL का मैच नंबर 20 हो जाएगा जो कि ये मुकाबला खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक होगा ड्रीम इलेवन के टीम में, यानी ड्रीम इलेवन के टीम में कौन कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप करना है, पूरा एक एक चीज आपको पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। और खास करके मेगा ग्रैंड लीग के टीम में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस मैच के लिए अपने टीम में कैप्टन किसे बना करके चलना, वाइस कैप्टन किसे बना करके चलना, एक एक चीज पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा ही देख करके जाना क्योंकि सोच रहे हो आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे प्रॉफिट बनाना, अच्छे रैंक लाना सोच रहे हो ना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज का पिच रिपोर्ट क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पर से दोनों टीम के बीच हेड टू हेड देखेंगे, उसके बाद दोनों टीम के बीच क्या प्लेइंग 11 टीम रहेगा, प्लेयर्स स्टैट्स जानेंगे जिससे ये डिसाइड करेंगे कि अपने टीम में कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए और कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप करना है, पूरा एक एक चीज पूरा बारीकी से बताने वाला हूं। मैचअप्स देखने के बाद फाइनल डिसाइड करेंगे कि अपने टीम कॉम्बिनेशन में कौन सा खिलाड़ी को लेकर के चलना, कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम से ड्रॉप करना है, पूरा एक एक चीज पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। तो भाई वीडियो को पूरा ही देख करके जाना क्योंकि आप लोग सोच रहे हो ना प्रॉफिट बनाना, तो ये वीडियो को पूरा ही देख लेना। तो सभी लोग यही सोच करके इस वीडियो को पर क्लिक किए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बना करके जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ही देख लेंगे। और साथ में देखो जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से दबा के एक लाइक कर देना, और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और साथ में क्या कि भाई आगे आईपीएल भी आने वाला है तो आईपीएल में मेरे साथ सोच रहे हो एक साथ विन करना, तो सबसे पहले बोल रहा हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा जिससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। मुकाबला जो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। यदि बात करें इस वेन्यू पर तो इस वेन्यू पर टोटल जो मुकाबला खेला गया 13 मुकाबला खेला गया जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 6 मुकाबला को और बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 7 मुकाबला को विन किया। यदि बात करें स्कोरिंग पैटर्न्स का तो स्कोरिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आ जाए तो 150 रन का स्कोरिंग इस वेन्यू पर 7 बार हुआ है, 150 और 169 के बीच में स्कोरिंग 2 बार है, 170 और 189 के बीच में 1 बार स्कोरिंग है, 190 के ऊपर आ जाते तो 3 बार बड़े आसानी तरीके से स्कोरिंग हुआ है। अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस वेन्यू पर क्या स्कोरिंग देखने को मिल सकता, दिल्ली कैपिटल्स होमेस्ट टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो कितना स्कोरिंग देखने को मिलेगा या गुजरात टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो कितना स्कोरिंग देखने को मिलेगा। एवरेज स्कोर काफी अच्छा खासा एवरेज स्कोर आने वाला है, 145 का एवरेज स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर इस वेन्यू पर 199 का, लोएस्ट स्कोर की बात करते हो तो 91 का लोएस्ट स्कोर है। यदि पिछले 5 मैच में बात करें इस वेन्यू पर तो पेसर्स बॉलर्स को 21 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को कुल जो विकेट मिला पिछले 5 मैच में 40 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख रहा। अब देखो रिसेंट जो इस वेन्यू पर मुकाबला खेला गया ना इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि दिल्ली कैपिटल्स होमेस्ट टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आपको क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा या गुजरात जायंट्स होमेस्ट टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो क्या स्कोरिंग देखने को मिलेगा। पिछला मुकाबला की बात करें तो सेम इसी वेन्यू पर जो पिछला मुकाबला खेला गया था गुजरात होमेंस और साथ में यहां पर से यूपी होमेंस के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें गुजरात होमेंस टीम ने फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए पूरे 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन का स्कोरिंग किया। अब देखो चेस करते हुए यूपी ओमेंस की बात करते तो ओनली 144 रन ही बनाया है, फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स को कुल जो विकेट मिला 4 विकेट पेसर्स बॉलर्स निकालते हुए दिख रहा है, स्पिनर्स बॉलर्स की बात करें तो 8 विकेट स्पिनर्स बॉलर्स निकालते हुए दिख रहा है। अब देखो यहां पर से दिल्ली ओमेंस टीम और साथ में आरसीबी के बीच ये मुकाबला खेला गया जिसमें दिल्ली ओमेंस टीम ने फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए पूरे 20 ओवर में देखते 5 विकेट पर 181 रन का स्कोरिंग किया, चेस करते हुए आरसीबी टीम ने यहां पर से ओनली 180 रन बनाया और भाई ये जो मुकाबला किया कि ओनली एक ही रन से आ रहा, फर्स्ट और सेकेंड इनिंग मिलाकर के पेसर्स बॉलर्स 6
विकेट निकालते हुए दिख रहा। अब देखो स्पिनर्स बॉलर्स 6 विकेट निकालते हुए दिख रहा, पेसर्स बॉलर्स की बात करूं तो पेसर्स बॉलर्स 3 विकेट निकाला। फिर यहाँ पर से ये मुकाबला के अकॉर्डिंग ऐसा गुजरात वुमेन्स टीम ने भी इस वेन्यू पर देखते तो 190 रन का स्कोरिंग किया। तो दोनों ही टीम के अकॉर्डिंग ऐसा तो दोनों ही टीम इस वेन्यू पर तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए दिखता। गुजरात टीम ने इस वेन्यू पर देखो 191 रन का स्कोरिंग तो किया, लेकिन यहाँ पर से देखो एमआई वुमेन्स टीम ने शेष करते हुए यह मुकाबला को विन कर लिया। इससे यह क्लियरली हो जाता कि भाई दोनों ही टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी अपने टीम में टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो दोनों टीम की तरफ से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट होगा एक एक चीज पूरा बारीकी से मैं आपको बताते चलूंगा। स्कोरिंग की बात करें तो देखो आपको काफी अच्छा खासा स्कोरिंग देखने को मिलेगा, 180 के ऊपर आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा यदि गुजरात वुमेन्स टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आपको बड़े आसानी तरीका से 190 के आसपास भी स्कोरिंग देखने को मिलेगा। दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में आ जाए तो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में इस मुकाबला खेला गया, तीन मुकाबला खेला गया जिसमें एक मुकाबला जो विन किया गुजरात जायंट्स वुमेन्स टीम ने एक मुकाबला को विन किया, तो वही दो मुकाबला जो विन किया वह दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम ने दो मुकाबला को विन किया। यदि दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम का पिछले 5 मैच में बात करें तो पिछले 5 मैच में ओनली एक ही मैच आ रहा, 4 मैच विन करते हुए आ रहा है। बात करें गुजरात टीम का तो पिछले 5 मैच में 3 मैच हारा और 2 मैच विन करते हुए दिख रहा है। अब देखो सबसे पहले यहां पर से हम लोग देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इस मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आ जाते हैं तो इस मैच में शेफाली वर्मा और साथ में मैग लैनिंग ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगा। एलिस कप से जेमिमा रोड्रिगस, मिजेरिन कप जेस जोनासन, तानिया भाटिया, फिर यहां पर से अरुण दत्ती रेड्डी आ जाते हैं, शिखा पांडे, राधा यादव, फिर यहां पर से टीटस साधु, जो कि कुछ इस प्रकार से दिल्ली की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम देगा। अब चलो दिल्ली के वुमेन्स की तरफ से देख लेते हैं कि कौन सा बॉलर स्टार्टिंग ओवर और साथ में कौन सा बॉलर डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। यदि सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग ओवर में तो आपको स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा मिजेरिन कप, उसके बाद शिखा पांडे, फिर यहां पर से टीटस साधु, ये तीन बॉलर्स आपको स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। डेथ ओवर की बात करें तो मिजेरिन कप, उसके बाद शिखा पांडे, जेस जोनासन, ये तीन बॉलर्स आपको स्टार्टिंग ओवर और साथ में डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। पूरा प्रॉपर रूप से 4 ओवर की बात करोगे तो पूरा 4 ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा यहां पर से मिजेरिन कप, उसके बाद बात करें शिखा पांडे जो पूरा 4 ओवर और साथ में यहां पर से टीटस साधु आ जाती है, ये तीन बॉलर्स आपको प्रॉपर रूप से 4 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। देखो काफी ज्यादा डेथ ओवर में हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर, जेस जोनासन और साथ में मिजेरिन कप के ऊपर खास करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे जेस जोनासन आपको क्या है कि भाई यहां पर से स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए नहीं दिखाई देगा लेकिन डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई देगा। और देखो जो भी डेथ ओवर में बॉलर्स बॉलिंग करेगा, स्पिनर्स बॉलर्स होगा, सभी बॉलर्स को अपने टीम में लेकर के चलना। एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम में होना चाहिए, कौन सा प्लेयर्स को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग लैनिंग के बारे में। मैग लैनिंग के अकॉर्डिंग ऐसा है राइट हैंड बैटिंग स्टाइल रिसेंट फॉर्म में 29-32-53-55 11 रन का स्कोरिंग है, हेड टू हेड में 3 मुकाबला 94 रन, एवरेज की बात करते तो काफी अच्छा खासा एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे। लेकिन उससे भी तगड़ा परफॉर्मेंस की बात करूं तो बैन पर हर हमेशा परफॉर्मेंस करती है, 3 मुकाबला और यहां पर से रन की बात करते तो 142 रन बनाए और साथ में 47 का एवरेज है। मोस्ट पिक रहेगा अपने टीम में लेकर के चलना। डब्ल्यूपीएल में इनका जो एवरेज होता वह 48-45 के एवरेज से प्रत्येक मैच में रन बनाते हुए दिखाई देती है। पिछले मैच में देखते तो पिछले मैच में भी 29 रन बनाते हुए दिख रहे, 32-53 फिर यहां पर से 55 रन का स्कोरिंग है। यदि मैं आपको यहां पर से सजेशन करूंगा दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आपके लिए ये जो खिलाड़ी होगा वह आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। इस मैच में कम से कम स्कोरिंग की बात करूंगा ना तो भाई 70+ रन का स्कोरिंग करते हुए दिखाई देगी। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में लेकर के चलना, जब भी आप अपनी टीम में लेकर के चलना और दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो आप अपनी टीम में ले लेना। साथ में देखो आप लोग को एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूं कि जो भाई अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो तो भाई सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टॉस होने के बाद जिस टीम से मैं खेलता हूं सेम वही टीम बने बनाया हुआ टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। शेफाली वर्मा के अकॉर्डिंग ऐसा अब देखा जाए शेफाली वर्मा का देख लेते हैं तो देखो शेफाली वर्मा का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं जा रहा, पिछले मैच में 23-15-28-13 फिर यहां पर से 50 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। यदि पिछले 5 मैच में देखते हैं देखो 4 मैच
मैच में कुछ खास स्कोरिंग नहीं, एक ही मैच में 50 रन बनाते हुए दिख रही है। हेड टू हेड में 3 मुकाबला 97 रन वैन्यू पर आते हैं, तो वैन्यू पर 2 मुकाबला 66 रन। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज ओनली 22 का बेस है। डब्ल्यूपीएल में 16 मुकाबला और साथ में एवरेज देखते हैं तो 31 का एवरेज से रन बनाते हुए दिख रही है। अगला प्लेयर्स की बात करें एलिस कैप्सी, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, बट बॉलिंग करते हुए रीसेंट में बात करें तो ये खिलाड़ी बॉलिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। वैसे रीसेंट फॉर्म में देख लो 48-15-19-27-46 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 2 मुकाबला 49 रन और साथ में 24 का एवरेज है। वैन्यू पर आ जाए 3 मुकाबला 82 रन और साथ में 27 का एवरेज है। डब्ल्यूपीएल में बात करें तो 13 मुकाबला और 35 का एवरेज है और साथ में 10 विकेट निकाली है। अब देखो चांसेस ये रहेगी कि आपको यहां पर से कहने का एक आध दो ओवर आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दे सकती है, तो टीम में लेकर के चलना। वैसे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत सारा लोग अपनी टीम में पिक करके चला, वाइस कैप्टन बना करके चला, लेकिन सबसे अलग और सबसे डिफरेंट चाहते हो वाइस कैप्टन बनाना, तो इस खिलाड़ी के ऊपर आप अपनी टीम के लिए क्या है कि वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। वैसे वाइस कैप्टन की बात करूं तो 10% से अधिक लोग अपने टीम में वाइस कैप्टन बना करके जा ही रहा। जेमिमा रोड्रिगस, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में काफी अच्छा खासा रन देखने को मिला, 58-17-69 फिर यहां पर से 7-0 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में हर हमेशा फ्लॉप गए, 3 मुकाबला 8 रन। एवरेज की बात करते हैं तो कुछ खास एवरेज नहीं है। वैन्यू पर आ जाते हैं तो वैन्यू पर 3 मुकाबला 144 रन बनाए, वैन्यू पर काफी अच्छा खासा रन बनाते हुए दिख रहे। डब्ल्यूपीएल में बात करें तो डब्ल्यूपीएल में 15 मुकाबला 323 रन है और साथ में यहां पर से 32 का एवरेज रन बनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिख रहे। बात करें मिजेरिन कप के बारे में, बैटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ऐसा तो राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है। अब देखो ये पेसर्स बॉलर्स में बात करोगे ना तो ये क्वालिटी का पेसर्स बॉलर्स है जो कि आपको इस वैन्यू पर हर हमेशा विकेट निकालते हुए दिखाई देगी। और गाइस देखो मैं आपको ये चीज क्लियरली कर दूं कि जो भी पेसर्स बॉलर्स होगा, क्वालिटी का पेसर्स बॉलर्स जो आपको दिखाई दे, वैसे मैं आपको एक एक चीज तो बताते चलूंगा, लेकिन जो भी क्वालिटी का पेसर्स बॉलर्स होगा सभी क्वालिटी के पेसर्स बॉलर्स को अपनी टीम में लेकर के चलेंगे। 1-2 क्वालिटी के पेसर्स बॉलर्स में बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा मिजेरिन कप के बारे में। रीसेंट फॉर्म में देखते हैं तो 12 रन 1 विकेट 2 विकेट 36 रन 1 विकेट 3 विकेट 16 रन फिर यहां पर से 1 विकेट निकाली है। हेड टू हेड में 2 मुकाबला 36 रन 36 का एवरेज और साथ में 6 विकेट निकाली है। हेड टू हेड में काफी अच्छा खासा विकेट निकालते हुए दिखाई देती है। वैन्यू पर आ जाते हैं, वैन्यू पर 2 मुकाबला 23 रन 23 का एवरेज है, वैन्यू पर 3 विकेट निकाली है। डब्ल्यूपीएल में 14 मुकाबला खेले के 248 रन 41 का एवरेज है और साथ में 18 विकेट निकाली है। जेस जोनासन, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है। देखो बैटिंग भी इनके पास करने की काफी ज्यादा चांसेस रहेगा कि इनको बैटिंग का मौका मिलेगा, तो बैटिंग से भी उम्मीद रख सकते हो कि 20 प्लस रन का स्कोरिंग करते हुए दिखाई देगी। और साथ में ये खिलाड़ी क्या कि आपको डेथ ओवर में बॉलिंग करेगी, और देखो जो भी डेथ ओवर में बॉलिंग करेगी ना भाई अपने टीम के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी बनाना चाहते हो तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। पिछले मुकाबला में भले ही विकेट लेस गई है, लेकिन 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट कंटिन्यू विकेट निकाले, एक मैच में देख सकते 36 रन और साथ में 3 विकेट निकाले। हेड टू हेड में भी काफी अच्छा खासा विकेट निकालती है, 3 मुकाबला 5 विकेट, वैन्यू पर 3 मुकाबला 4 विकेट। डब्ल्यूपीएल में आ जाए तो 14 मुकाबला और साथ में 23 का एवरेज है, 19 विकेट निकाले। इंपोर्टेंट पिक होगा टीम में लेकर के चलना। जेस जोनासन को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी बना करके जा सकते हो। अगला प्लेयर्स की बात करेंगे, तानिया भाटिया, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, लेकिन रीजन में देखो तो यहां पर से पिछले मैच में बैटिंग का मौका तो मिला लेकिन 0 रन का स्कोरिंग है। लेकिन इस खिलाड़ी की बात करें तो भाई इनको बैटिंग का ही मौका नहीं मिलता, डीआरबी क्योंकि बात करोगे दिल्ली कैपिटल्स समेत टीम इस डब्ल्यूपीएल में इतना तगड़ा परफॉर्मेंस करता है कि भाई जो भी टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज हो भाई जल्द अपना विकेट नहीं फेंकता। अगला प्लेयर आ जाते हैं अरुण दत्ती रेड्डी, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग स्टाइल है। इस वैन्यू के लिए उतना कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं होगा, हो सकता है एक-आध विकेट कहीं आपको निकालते हुए दिखाई दे तो दिखाई दे, नहीं तो आप उतना कुछ खास उम्मीद नहीं जता सकते हो। पिछले मैच में 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 2 मुकाबला 2 विकेट, वैन्यू पर आ जाते तो वैन्यू पर 3 मुकाबला और साथ में यहां पर से 2 विकेट निकालिए। अगला प्लेयर्स आ जाती है शिखा पांडे, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल, रीसेंट फॉर्म में 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट निकाली है। हेड टू हेड में 3 मुकाबला 4 विकेट है, वैन्यू पर आ जाते हैं तो 3 मुकाबला और 3 विकेट निकालिए। अब देखो पेसर्स बॉलर्स में बात करोगे तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 2 पेसर्स बॉलर्स को आप अपने टीम में पिक करके जा सकते हो, 2 पेसर्स बॉलर्स को लेकर के जा सकते हो। एक पेसर्स बॉलर्स तो दिल्ली कैपिटल्स ओमेंस की तरफ से मिजेरिन कप तो होना ही चाहिए, साथ में मैं आपको सजेशन कर सकता हूँ शिखा पांडे को टीम में लेकर के जा सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग ओवर में आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे
फेंकी। अगला प्लेयर आ जाती है राधा यादव, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल है। रिसेंट फॉर्म में देखते हैं तो रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, हेड टू हेड में 3 मुकाबला है, 0 विकेट निकाली है। बैन ऊपर आ जाते हैं तो 3 मुकाबला खेल के 3 विकेट निकाली है। चाहे तो टीम में ट्राई करना तो टीम में लेकर के जा सकते हो। टीटर साधु राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल, रिसेंट फॉर्म में देखते हैं तो रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 मुकाबला है, 0 विकेट है। बैन ऊपर 3 मुकाबला और साथ में यहां पर से 3 विकेट निकाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर से सबसे पहले जानेंगे गुजरात की तरफ से अब इस मैच के लिए क्या प्लेइंग 11 टीम रहने वाला है। गुजरात की तरफ से प्लेइंग 11 टीम में देखते हैं बेथ मोनी और साथ में लोरा बुलवाट, ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। फिर यहां पर से आ जाती है फोबी लिस्पेल, ए गार्डनर हो गए। फिर यहां पर से आ जाते हैं भारती फूलमाली हो गई। उसके बाद अगला प्लेयर्स डी हेमलता, के वाई सी तनुजा कानवेर। उसके बाद यहां पर से स्नेह राणा आ जाती है। फिर मेघना सिंह हो गए। फिर यहां पर से अगला प्लेयर्स की बात करें तो अगला प्लेयर्स आ जाते हैं सबनिम साकिस, जो कि कुछ इस प्रकार से गुजरात की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। गुजरात की तरफ से देख लेते हैं कौन सा बॉलर्स स्टार्टिंग ओवर और साथ में कौन सा बॉलर्स डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। स्टार्टिंग ओवर की बात करोगे तो स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए दिख जाएगा तनुजा कानवेर, मेघना सिंह और साथ में कार्तिक वाइस, ये 3 खिलाड़ी आपको स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करेगा। डेथ ओवर के अकॉर्डिंग ऐसा है, डेथ ओवर में एक गार्डनर, फिर यहां पर से आ जाते हैं मेघना सिंह, फिर कार्तिक वाइस, ये 3 बॉलर्स स्टार्टिंग ओवर और साथ में डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा। अब देखो यहां पर से जानेंगे एक एक प्लेयर्स के बारे में कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होगा गुजरात जायंट्स की तरफ से, कौन कौन सा प्लेयर को अपने टीम में लेकर के चलना है। सबसे पहले बात करेंगे बेथ मोनी का लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टाइल, रीसेंट फॉर्म देखते हैं तो भाई रीसेंट फॉर्म इनका काफी लाजवाब का रीसेंट फॉर्म है। पिछले 3 मैच में बात करोगे ना तो पिछले 3 मैच में तगड़ा रन बनाते हुए दिख रहे हैं। पिछले मैच में 74 66 66 फिर 85 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 1 मुकाबला 12 रन 12 के एवरेज से, बैन ऊपर आया था तो 3 मुकाबला और साथ में 225 रन बनाए। डब्ल्यूपीएल में 8 मुकाबला 285 रन 57 का एवरेज है। तो टीम में तो पिक करके चलना, बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए कब मोस्ट पिक होगा खास करके इस मैन ऊपर मैं आपको बता देता हूं। कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले देखो मैं आपको सजेशन किया हूं क्या कि यदि सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स टीम बैटिंग करता तो किसे कैप्टन बनाना है। अब यहां पर से यह सजेशन करता हूं कि गुजरात वुमेन्स टीम फर्स्ट राउंड बैटिंग करता तब आपको अपनी टीम के लिए किससे कैप्टन बना करके चलना। तो मैं यदि गुजरात टीम फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो मैं आपको सजेशन करूंगा बेथ मोनी को अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। यदि देखो चेस करते हुए आपको दिखा दी यदि गुजरात जायंट्स वुमेन्स टीम, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि टीम में तो लेकर के चलना, बट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए उतना कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि पिछले मैच में बात करूंगा चेस करते हुए ही यहां पर से बेथ मोनी फ्लॉप गई है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में लेकर के चलना। लोरा बुलवाट के अकॉर्डिंग ऐसा है तो पिछले मैच में 43 13 76 28 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 3 मुकाबला 58 रन 19 का एवरेज से, अब देखो बैन ऊपर आ जाते हैं तो बैन ऊपर 3 मुकाबला 132 रन 44 का एवरेज है। बैन ऊपर काफी ऐसा खासा एवरेज से रन बना रहे लेकिन हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन एवरेज की बात करोगे ना तो ठीक ठाक एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। डब्ल्यूपीएल में आ जाए तो 37 का एवरेज है, टीम में पिक करके चलना, ये दोनों खिलाड़ी को तो टीम में लेकर के चलना ही है। अगला प्लेयर्स की बात करें तो अगला प्लेयर्स आ जाती है फोबी लिस्पेल, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्टार, रिसेंट फॉर्म में 4 3 18 15 35 रन का स्कोरिंग है। हेड टू हेड में 1 मुकाबला 15 रन 15 का एवरेज है। बैन ऊपर 3 मुकाबला 25 रन ओनली 8 का एवरेज है। डब्ल्यूपीएल में 7 मुकाबला 87 रन ओनली 17 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगला प्लेयर्स की बात करें एक गार्डनर, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती है। रिसेंट फॉर्म में ऐसा है तो 15 रन 1 विकेट 1 रन 1 विकेट 2 विकेट 40 रन 2 विकेट 30 रन 1 विकेट निकाली है। हेड टू हेड में 3 मुकाबला 91 रन 45 का एवरेज है और साथ में 5 विकेट निकाली है। हेड टू हेड में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो दोनों से तगड़ा आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाएगी। वाइस कैप्टन के लिए मोस्ट पिक रहेगा, वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो। बैन ऊपर 3 मुकाबला 16 रन है, फिर यहां पर से एवरेज 5 का 4 विकेट भी निकाली है। अगला प्लेयर्स की बात करें, अगला प्लेयर्स आ जाते हैं भारती फूलमाली, राइट हैंड बैटिंग रिसेंट फॉर्म में 1 रन 21 64 5 0 हेड टू हेड में 1 मुकाबला 9 बैन ऊपर 2 मुकाबला 23 रन 23 का एवरेज है। डब्ल्यूपीएल में आ जाते हैं 2 मुकाबला ओनली 22 रन बनाए। अगला प्लेयर्स की बात करें, अगला प्लेयर्स आ जाती है डी हेमलता, राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में देखते हैं तो 0 74 1 हेड टू हेड में 3 मुकाबला 6 रन
ओनली 3 का एवरेज है, बैन ऊपर 3 मुकाबला 75 रन 25 का एवरेज है। WPL में बात करें तो 14 मुकाबला 262 रन और साथ में एवरेज के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो 29 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अगला प्लेयर्स की बात करें, कार्तिन वायसी राइट हैंड बैटिंग स्टार, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, देखो स्टार्टिंग ओवर और साथ में डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग करते हैं। यदि रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इनको एक विकेट से ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन टीम में लेकर के जा सकते हो, इंपोर्टेंट पिक रहेगा, स्टार्टिंग ओवर और साथ में डेथ ओवर दोनों में बॉलिंग करते हैं। भाई जब ये हो सकता है, ये आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई यदि यहाँ पर से स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करेगी, स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करते हुए दिखाई दी तो कहीं इनको एक विकेट तो फिक्स ही रहेगा कि मिल ही जाएगा, लेकिन डेथ ओवर के अकॉर्डिंग आ जाओ, डेथ ओवर में बॉलिंग करते तो एक विकेट निकाल लेती तो कहीं ना कहीं दो विकेट निकालते हुए दिख जाएगी। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो बहुत कम लोग ही अपने टीम में पिक करके चल रहा, तो मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के लिए सबसे अलग और सबसे यूनिक खिलाड़ी ये हो सकता है। हेड टू हेड में एक मुकाबला 0 विकेट है, बैन ऊपर देखते तो 3 मुकाबला 2 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म में आ जाओ तो पिछले मैच में 11 रन और साथ में 1 विकेट निकाले, 7 रन 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट, फिर यहां पर से 1 विकेट है। अगला प्लेयर्स की बात करें, तनुजा कानवे लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करती है, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, हेड टू हेड में 3 मुकाबला 3 विकेट, बैन ऊपर 3 मुकाबला और साथ में 2 विकेट निकाली है, WPL में 15 मुकाबला खेले करके 13 विकेट निकाली है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगला जो प्लेयर्स आती है, अगला प्लेयर्स आ जाती है सने राणा, सने राणा के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो पिछले 5 मुकाबला में 0-0 विकेट, हेड टू हेड में 2 मुकाबला 2 विकेट, बैन पर 1 मुकाबला 0 विकेट, WPL में 12 मुकाबला खेल करके ओनली 6 विकेट है। मेघना सिंह राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टार, रिसेंट फॉर्म में पिछले 3 मुकाबला में 0-0 विकेट निकाली है, 4 विकेट 1 विकेट। अब देखो इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे ना तो भाई इनको 20% से कम लोग ही अपने टीम में पिक करके चला, लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले मैच में यानी दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के सामने ही हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेलते हुए यहां पर से 4 विकेट निकाले, तो इनके ऊपर थोड़ा बहुत रिस्क लेकर के जा सकते हो, ये खिलाड़ी इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा तो टीम में पिक कर देना। मेघना सिंह इस मैच के लिए इंपोर्टेंट पिक होगा, मेगा ग्रैंड लीग के टीम में लेकर के चलना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अगले प्लेयर्स की बात करें तो अगले प्लेयर्स यहां पर से आ जाते हैं, समनीम साकिब राइट आर्म मीडियम बॉलिंग स्टाइल है, रिसेंट फॉर्म में पिछले मैच में सेम इसी बैन पर 3 विकेट निकाली है, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, फिर यहां पर से 0 विकेट, हेड टू हेड में 1 भी मुकाबला नहीं, बैन पर 3 मुकाबला खेल करके 4 विकेट, WPL में 3 मुकाबला और साथ में यहां पर से 3 विकेट निकाली है। अगला प्लेयर्स की बात करें तो देखो अगला प्लेयर्स मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर्स के बारे में बताता हूं, वैसे मैं आपको ये चीज आपको क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन कर दूंगा। अब फाइनली देख लेते हैं कि इस मैच के लिए की प्लेयर्स कौन कौन सा होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्लेयर्स का स्टैट्स देख लिया हूं, बैन ऊपर क्या रिकॉर्ड है ये सभी देख लिया हूं, एवरेज क्या रहता है बैन ऊपर, हेड टू हेड में क्या एवरेज रहता है, हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड रहता है, एक एक चीज जानने के बाद ये डिसाइड किया हूं कि इस मैच के लिए की प्लेयर्स कौन कौन सा बन सकता है। ए गार्नर, बेथ मोनी, जेस जोनासन, मिजेरिन कैप, एलिस कैप्सी, मैग लैनिंग, लोरा बुलवाट, ये खिलाड़ी सब इस मैच के लिए क्या की प्लेयर्स रहने वाला है। अब इसमें आ जाते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सेफ ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के अकॉर्डिंग आ जाए मिजेरिन कैप, ए गार्नर, एलिस कैप्सी जो कि इस मैच के लिए कैप्टन और साथ में वाइस कैप्टन रहने वाला। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में बात करें तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स में फोबी लिसवेल, फिर यहां पर से शिखा पांडे, मेघना सिंह जो कि इस मैच के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होने वाली है। अब प्लेयर्स बैटल देख लेते हैं, प्लेयर्स बैटल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेयर्स बैटल दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स की तरफ से मैग लैनिंग का। मैग लैनिंग का देखिये तो लिया ताऊ के सामने 45 बॉल 48 रन 3 बार विकेट फेंकी है, ए गार्नर के सामने 36 बॉल 55 रन 2 बार विकेट है, मेघना सिंह के सामने 12 बॉल 17 रन 1 बार विकेट, एलिस कैप्सी का देख लेते ए गार्नर के सामने 36 बॉल 54 रन 2 बार विकेट, मेघना सिंह के सामने 5 बॉल 6 रन 1 बार विकेट, स्नेह राणा के सामने 17 बॉल 26 रन और साथ में 0 बार विकेट फेंकी है। अगला प्लेयर्स की बात करें तो शेफाली वर्मा आती है, ए गार्नर के सामने 38 बॉल 54 रन 3 बार विकेट, मेघना सिंह के सामने 2 बॉल 1 रन 1 बार विकेट, जेमिमा रोड्रिगस की बात करें तो एम कश्यप के सामने 5 बॉल 2 रन और साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंकी है। अब देखो गुजरात वुमेन्स की तरफ से प्लेयर्स बैटल में बेथ मोनी का प्लेयर्स बैटल जानेंगे, जेस जोनासन के सामने 30 बॉल 37 रन 2 बार विकेट है, शिखा पांडे के सामने 40 बॉल 65 रन 2 बार विकेट, टीटस साधु के सामने 26 बॉल 13 रन और साथ में 1 बार विकेट, फिर यहां पर से एक गार्नर का देख ले, अनावे सदरलैंड के सामने 32 बॉल 40 रन 3 बार विकेट, जेस जोनासन के सामने 41 बॉल 63 रन 2 बार विकेट, टीटस साधु के सामने 1 बॉल 0 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंकी है। अगला प्लेयर्स लोरा बुलवाट आ जाते हैं, अनावे सदरलैंड के सामने 47 बॉल 49 रन 2 बार विकेट, शिखा पांडे
पांडे के सामने 9 बॉल और साथ में 9 रन और 1 बार विकेट है। फोविल स्पिल का देख ले तो जैस जोनासन के सामने 26 बॉल 31 रन 2 बार विकेट, फिर यहाँ पर से पूनम यादव के सामने 8 बॉल 10 रन और साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट फेंकी। आगे बढ़ते अब देखो फाइनली देख लेते हैं कि इस मैच में कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक हुआ, कौन कौन सा खिलाड़ी को मैं अपने टीम में पिक किया हूँ। वैसे देखो ये फाइनल टीम टॉस होने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देता हूँ। तो सबसे पहले देखो टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला, दिल्ली की तरफ से 7 खिलाड़ी को पिक किया हूँ और गुजरात की तरफ से 4 खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चला हूँ। टीम का रेशियो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, विकेट कीपर में वेंथ मूनी, बैटिंग में मैग लैंडिंग, लोरा बोलवार्ड, फिर यहाँ पर से जेमिमा रोड्रिगस को पिक किया हूँ, शेफाली वर्मा, और लॉन्डर्स में जैस जोनासन, मिजेरिन का एक गार्नर और साथ में एलिस कैप्सी। बॉलिंग में आ जाते तो बॉलिंग से मैं अपने टीम में राधा यादव और साथ में यहाँ पर से टी तनुजा कानवेर को अपने टीम में पिक किया हूँ। कैप्टन एम कप को कैप्टन और वाइस कैप्टन एलिस कैप्सी को मैं अपने टीम के लिए वाइस कैप्टन पिक किया हूँ। अब देखो इसमें जो भी चेंजेस करूंगा फाइनल टीम आपको टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, लिंक बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जहां पर से टॉस होने के बाद बने बनाया हुआ टीम बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो बिल्कुल फ्री में, साथ हो भाई कोई भी यहां पर से देखो पैसा और ये चार्ज की बात नहीं होता, बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बार-बार बोल रहा हूं। जो भाई ज्वाइन करके रखा ना भाई इस WPL में बैक टू बैक विन किया, आगे IPL भी आने वाला तो WPL के बाद IPL में भी सोच लो मेरे साथ साथ खेलना और विन करना, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से बोलता हूं दबा के एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ओपन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ हम सभी लोग।